नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 10 जिसमें जुडिशियल सेपरेशन यानी धारा 10 जिसमें न्यायिक पृथककरण का प्रोविजन किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कमेंट में बहुत सारे व्यूअर है जो पूछ रहे हैं मुझसे बार बार की सर सेक्शन 10 के बारे में बताइए, सेक्शन 10 के बारे में बताइए, उसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के आधार पर किस प्रकार से डिवोर्स दे सकते हैं, ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आप अन अकेडमी की मदद से घर बैठे ही लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अन अकेडमी पे 25 अगस्त 2021 से अनलिमिटेड 6 मंथ बैच फॉर यूपी पीसीएसजे शुरू होने जा रहा है। ये बैच उत्तर प्रदेश पीसीएसजे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस बैच में आपको नीरज कांत उपाध्याय सर और सुमित सर के द्वारा नॉलेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ जुडिशरी लिंकिंग बैच बाई तनसुख पालीवाल सर एंड उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। इस बैच के जरिए आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य सभी राज्यों के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकती हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे एजुकेटर के द्वारा कई बैचेज पीसीएसजे से संबंधित एग्जाम के लिए चलाए जा रहे हैं। अन अकेडमी पे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के संबंध में आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकते हैं। यदि आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको और भी कई सुविधाएं मिलेंगी। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक पृथककरण का मतलब समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। तो देखिए, न्यायिक पृथककरण का मतलब होता है जब पति और पत्नी दोनों अलग अलग रहने लगे न्यायालय के आदेश से, यानी उनका डिवोर्स ना हो, उनका विवाह विच्छेद ना हो, लेकिन न्यायालय ऐसी डिग्री पारित कर दे पति के लिए या फिर पत्नी के लिए कि दोनों अलग अलग हो जाएं। तो जुडिशियल सेपरेशन में डिवोर्स नहीं होता है लेकिन पति और पत्नी न्यायालय की डिग्री के द्वारा, न्यायालय के आदेश के द्वारा अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। पति कहीं और रहेगा और पत्नी कहीं और रहेगी, इस प्रकार का न्यायालय आदेश कर देता है तो इसे जुडिशियल सेपरेशन कहा जाता है। बस आप लोग यही समझिए कि पति और पत्नी अलग अलग रहेंगे लेकिन उनका भी डिवोर्स नहीं हुआ रहेगा, यही जुडिशियल सेपरेशन है। तो अब मैं आपको जो सेक्शन 10 में प्रोविजन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के उसके बारे में बता देता हूँ कि क्या प्रोविजन किया गया है, उसके बाद इस चीज को मैं आपको आसान भाषा में बता दूंगा। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 10 न्यायिक पृथककरण। विवाह का कोई पक्षकार चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथककरण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। अगर अब मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में जो प्रोविजन किया गया है उसे आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब है कि शादी का कोई पक्षकार चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर वो अपने स्पाउस से यानी अपने साथी से अलग रहना चाहता है तो इसके लिए वो कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगा सकता है। इसमें डिवोर्स नहीं होगा, सिर्फ पति और पत्नी अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन लगा देंगे और आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल जाएगी। जुडिशियल सेपरेशन डिग्री लेने के लिए जो डिवोर्स के आधार बताए गए हैं उन्हीं आधारों में से कोई आधार होना चाहिए तभी आपको मिल सकता है। जुडिशियल सेपरेशन लेने के लिए आपको कोर्ट में केस करना होता है। जो हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के आधार बताए गए हैं उन्हीं आधारों में से किसी आधार पे आप केस करेंगे, उसके बाद जो आपका आधार है उसे आप कोर्ट में सिद्ध करेंगे, तब जाके आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल सकती है और कोर्ट आपके साथी को आदेश करेगा कि अब आप अपने स्पाउस से अलग रहिए। इस प्रकार से आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं
हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 की। अब हम अपने मुख्य सवाल पे आते हैं कि सेक्शन 10 के आधार पे आप डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, जब आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 की डिग्री मिल जा रही है, अब मान लीजिए आप पति हैं, आपने सेक्शन 10 का केस किया है, ऐसे में आपको डिग्री मिल जा रही है, कोर्ट आपकी पत्नी को आदेश कर दे रहा है कि वो जाके आपसे अलग रहे, और ऐसे में यदि एक साल तक आप दोनों साथ नहीं होते हैं, यानी आप लोगों का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है वो पुनः स्थापित नहीं हो पा रहा है, एक साल तक पति और पत्नी दोनों अलग अलग ही रह रहे हैं सेक्शन 10 की डिग्री मिलने के बाद भी, और एक साल तक दोनों में समझौता नहीं हो पाता है, दोनों में म्यूचुअल कंसेंट नहीं बन पाता है कि वो दोनों आके साथ रहे, तो ऐसे में ये भी एक डिवोर्स का आधार बन जाता है। आपको जब सेक्शन 10 की डिग्री मिल जाती है उसके बाद भी अगर आप लोगों का म्यूचुअल कंसेंट जो है वो मेल नहीं खा पाता है, पति पत्नी आके साथ नहीं रहते हैं, तो ये भी डिवोर्स का आधार बन जाएगा, और आप कोर्ट में इसके आधार पर भी डिवोर्स लेने के लिए केस लगा सकते हैं और अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप पत्नी हैं, ऐसे में आपको सेक्शन 10 की डिग्री मिल जा रही है आपके पति के खिलाफ, तो ऐसे में आप भी अपने पति से डिवोर्स ले सकती हैं, यानी शादी का कोई पक्षकार है वो सेक्शन 10 के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है और इसके आधार पे जैसा मैंने बताया उस तरह से डिवोर्स ले सकता है। तो आशा करता हूँ अब इस चीज को आप समझ चुके होंगे और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के बारे में आप विस्तृत जान चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।